दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप लोग के बीच आरवीएस एकेडमी पे। तो दोस्तों आप लोग के बीच एक मजेदार टॉपिक लेके आए हैं, मोनोकार्पिक एवं पॉलीकार्पिक। दोस्तों अगर कहने की बात किया जाए तो इनका कोई हिंदी नहीं होता है। जैसे में अगर कोई बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं बोलते हैं सर हिंदी बता दीजिए, तो बायोलॉजी में बहुत से ऐसे वर्ड है जिनको सेम टू सेम लिखा जाता है। जैसे में देखिए बहुत हाईलाइटेड वर्ड लिखता हूँ, जैसे में देखिए लव, इनका हिंदी क्या होता है प्यार, सबको पता होगा, गारंटी है सबको पता होगा। लेकिन इसी का बायोलॉजिकल अगर पूछे तो ऐसे लिख देते हैं लव। ऐसा ही क्या है मेरा मोनोकार्पिक है, दूसरा क्या है पॉलीकार्पिक है, इसका कोई हिंदी नहीं होता है। देखिए चुप समझते हैं, पूछा जाता है मोनोकार्पिक प्लांट क्या है और पॉलीकार्पिक प्लांट क्या है। यहाँ से दो नंबर का या तो ऑब्जेक्टिव पूछते हैं नहीं तो दो नंबर में ये पूछा जाता है। समझिएगा छोटू, देखिए मोनोकार्पिक, मोनो जो शब्द प्रयोग हुआ है वो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, मोनो डाई ट्राई टेट्रा हेप्टा पेंटा ये सब पढ़े होंगे। वहीं पे जो मोनो शब्द है इसका मतलब क्या होता है एक, क्या होते हैं एक। लेकिन यहाँ पे क्या है प्लांट, मोनोकार्पिक प्लांट, एक प्लांट नहीं मोनोकार्पिक प्लांट। देखिए सबसे पहले अगर प्लांट किंगडम की बात किया जाए तो प्लांट किंगडम आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, बताया गया होगा जो प्लांट किंगडम के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है पुष्प उद्भव, दूसरा क्या होता है अपुष्प उद्भव। वैसे पादप जो अपने जीवन काल में क्या करते हैं पुष्प का उत्पादन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं पुष्प उद्भव, और वैसे पादप जो अपने जीवन काल में एक बार भी पुष्प नहीं देते उसे हम क्या कहते हैं अपुष्प उद्भव। तो वैसा ही मेरा ये भी टॉपिक है मोनोकार्पिक, पृथ्वी पर पाए जाने वाले वैसे पुष्प उद्भव पादप, यानी कहने का मतलब पादप है उसमें क्या होता है पुष्प का उद्भव भी होता है। लेकिन समझिएगा जो अपने जीवन काल में केवल एक बार, कितना बार एक बार, जैसे शादी कितना बार होता है एक बार, केवल एक बार पुष्प धारण करने के पश्चात फल का निर्माण करते हैं। यानी कहने का मतलब आदमी क्या होते हैं एक बार शादी करते हैं और अपना पूरा का पूरा जीवन ऐस मौज से विचार बिताते हैं। वैसा ही ये क्या है पृथ्वी पर पाए जाने वाले वैसे पुष्प उद्भव पादप जो अपने जीवन काल में केवल एक बार क्या करते हैं पुष्प धारण करने के पश्चात फल का उत्पादन करते हैं और क्या हो जाते हैं मर जाते हैं। जैसे में क्या होते हैं अपनी जीर्ण अवस्था समाप्त हो जाते हैं तो आदमी क्या हो जाते हैं मर जाते हैं। ठीक उसे हम क्या कहते हैं मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। जैसे में आपका पहला हो गया गेहूं, दूसरा हो गया चावल, तीसरा हो गया मूली, चौथा हो गया गाजर। अगर बात किया जाए इसकी यहाँ तक तो इससे एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है। जैसे ऑब्जेक्टिव पूछा क्या जाता है, पूछा जाता है बताइए छोटू कौन सा ऐसा पादप है जो 52 वर्ष में एक बार पुष्प देता है। अब देखिए छोटू इसका एक उदाहरण है नीरा कुरेंजी। देखिए ये एक प्रकार का पादप है जो क्या करता है 52 वर्ष में एक बार क्या करते हैं पुष्प देते हैं, जो पिछले 2006 में दिया था, अक्टूबर 2006 में दिया था। अब कब देगा ना उजोर के कमेंट में बताइए। देखिए छोटू अगला क्या है पॉलीकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक प्लांट की अगर बात किया जाए तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा क्या, पृथ्वी पर पाए जाने वाले वैसे पादप जो अपने जीवन काल कहिए या अपने मौसम कहिए बार बार पुष्प देते हैं, बार बार फल देते हैं और एक समय क्या आता है जब वो क्या होते हैं मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। वैसी स्थिति वैसे पादप क्या कहलाते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट। तो इसका आपका उदाहरण क्या हो जाएगा आम। देखते होंगे क्या आम का सीजन आता है तो क्या हो जाते हैं आम अपना क्या करते हैं फूल भी देते हैं फल भी देते हैं। लेकिन आप दूसरा सीजन में आप उसको एक बोरा भी डीएपी दे दीजिए चाहे भर दिन उसको पानी क्यों नहीं दे दीजिए वो थोड़ी टिकला दे देगा, कभी भी नहीं देगा। उसका जब आएगा सीजन तब ये वो क्या करता है देता है। तो ऐसे पादप क्या कहते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट। तो एक बार फिर से जो अपने जीवन काल में एक बार पुष्प दे एक बार फल दे और मृत्यु को प्राप्त कर जाए क्या कहलाते हैं मोनोकार्पिक। पृथ्वी पर पाए जाने वाले वैसे पुष्प उद्भव पादप जो अपने जीवन काल में अपने मौसम में बार बार पुष्प देते हैं और बार बार फल देते हैं और जीर्ण अवस्था के बाद क्या होते हैं मृत्यु को समाप्त कर जाते हैं वैसे पादप क्या कहलाते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट। तो दोस्तों आरबीएस टीचिंग की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं कहता हूं अगर आप किसी भी टीचर का वीडियो देखते हैं कहीं भी कोई भी कोचिंग में पढ़ते हैं एक बार मेरा वीडियो जरूर देखें आपको जरूर कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।